तो सबसे ये कहूंगा कि जिंदगी में कभी इस कंपनी का पावर टिलर मत लेना। के यूपी में धान लगेगा उसमें कद्दू करना चाहोगे तो कद्दू करेगा, पानी में चलेगा ये। हाथ लगा के देखिए आप, गरम तो नहीं है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। भाइयों, आज की वीडियो में आपको राजस्थान में किसान पावर कंपनी का पावर टिलर दिखाऊंगा। मेरे साथ सर जुड़े हुए हैं जो इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं रहता हूं बरेली, और बरेली से मैं इतनी दूर क्यों आया हूं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहें। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार पाल भाई साहब, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री में, और जो हमारे दर्शक भाई किसान भाई देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र, जो कि कंपनी का ओनर। भाइयों ने पावर मीटर तो बहुत देखे, लेकिन ये जो अपना पावर मीटर है इसमें सबसे खास क्या है वो बताओ जरा भाइयों को। देखिए सर, पावर मीटर लगभग सब सेम होते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है जी। मेन चीज होती है इंजन की क्वालिटी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ब्लेड की क्वालिटी। अच्छा, और गियर बॉक्स की क्वालिटी। अच्छा जी, ये तीन चीज मेन होती है इसमें। बिल्कुल। तो मैं आप जो है पूछना चाह रहे हो तो मैं लाइव डेमो देके आपको क्वालिटी बताऊंगा सर। अच्छा। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है किसान भाइयों को लाइव सब कुछ दिखाऊं। अच्छा। तो पहले आप जमीन देख लीजिए, सरसों का खेत है, कृपया कैमरामैन दिखाएं। और हमारे यहाँ पर मुख्यतः जो फसल होती है वो सरसों की होती है, राई की। अच्छा। तो आप देखिए हार्ड कितनी मिट्टी है, यदि कल्टीवेटर से इसको जोता जाए तो क्या पोजीशन रहने वाली है। पास में ही एक कल्टीवेटर से खेत जोता हुआ है, वहां पर आप देख सकते हो लकड़ी भी सीधी सीधी खड़ी हुई है। बिल्कुल। दो जुताई लगी हुई है, डबल जुताई हुई है। हाँ। अच्छा। हम हमारे रोटावेटर से जुताई करके आपको दिखाएंगे, हमारे किसान भाइयों को, और लाइव आपको सब कुछ दिखाएंगे। यदि ये हमारा पावर टिलर जो ट्रैक्टर रोटावेटर की जुताई है उससे गहराई ज्यादा ले तो कहना, नहीं तो मैं मेरे पावर टिलर को फ्री छोड़ जाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, आप अपने घर ले जाना। ऑन कैमरा ये बात कह रहे हो? बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं इस चीज का दावा तब कर रहा हूँ, हर चीज में टेस्टिंग कर चुका हूँ भाई साहब। अच्छा। ट्रैक्टर मैंने साथ में खड़ा करके चला के मैं टेस्टिंग कर चुका हूँ, और आपको उससे भी ज्यादा हार्ड मिट्टी में आपको गहराई दिखाऊंगा। अच्छा। आप मान जाओगे कि किसान पावर कोई वास्तव में ब्रांड है, कोई कंपनी है, और कुछ उनके प्रोडक्ट में दम है। बिल्कुल नहीं, किसान पावर, पावर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने सुना आपकी कंपनी का नाम कि किसान पावर। देखिए किसान पावर का मतलब है किसान की ताकत। अब किसान की ताकत क्या है? उसके इम्प्लीमेंट मशीनरी। अब उनको अच्छी मशीनरी मिलेगी तो वो उनकी एक ताकत बन गए, वो टाइम पे काम कर पाएंगे, समय से उनका काम हो पाएगा, मजदूर मिलो या ना मिलो सारे काम हो पाएंगे। आपने बात करी मजदूरों की जी, तो आज के टाइम में आप जानते हैं कि हर गांव में मजदूरों की समस्या हो गई है जी। हमारी तरफ तो मजदूर बहुत कम मिलते हैं जी, दिहाड़ी भी ज्यादा है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो लगभग 350 रुपए की दिहाड़ी है। बिल्कुल। आपके यहाँ थोड़ी कम होगी? बिल्कुल 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 जी। लेकिन ये जो मशीन है आपकी, मुझे लगता है कि ये मशीन लगभग 10 आदमी के बराबर काम करेगी। भाई साहब ये 10 का नहीं, ये 20 का काम करेगी भाई साहब। गेहूं सीजन हो, जुताई हो, कोई भी चीज हो, ये हमने इस तरीके से इसको बनाया है कि किसान के सारे काम ये अकेली मशीन कर सके। अच्छा। और जैसे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हैं जी, जिनके पास पैसा भी कम है, तो वो लोग देखिए सकते हैं ये हमारी जो पावर टिलर है। अच्छा। यही नहीं है कि मेरे किसान भाइयों का भ्रम रहता है कि हमारे पास 4-5 बीघा जमीन है उसको ही जोतना है। अच्छा। अरे मेरे किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर ही है, 4-5 बीघा क्यों, आप रोजगार का इसको माध्यम बनाइए, रोजाना चलाइए, जितना आप इसको ज्यादा चलाओगे उतनी इसकी क्वालिटी निखर के आएगी। आप हमारे जो छोटे किसान भाई हैं उनकी जुताई नहीं कर रहे किसान, बड़े बड़े किसान, तो उनकी जुताई करके आप पैसा कमाइए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कम से कम यदि मेरे किसान भाई इसको चलाए 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, तो लगभग 10 बीघा खेत की जुताई आराम से कर सकता है। और 10 बीघा खेत की आप जुताई के पैसे लगा लीजिए, क्या भाव है आप ही बता दीजिए। 300 रुपए बीघा, 3,000 हो गया। अब 10 बीघा में हमने 6 घंटे चलाया, ये मात्र और मात्र फ्यूल कंजप्शन लेगा, जो खर्चा होगा वो 600 रुपए का होगा। अच्छा जी, 600 से 700, मैं तो 700 मान रहा हूँ,
2300 रुपए मेरा किसान भाई जेब में रख के लेके जाएगा आसानी से। बिल्कुल जी, और 3 घंटे शाम को किया, 3 घंटे सुबह किया, और अपना सेल्फ डिपेंड है, मन में आएगा तब काम करेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जैसे आपने बात करी कि ये मतलब कमाई का अच्छा साधन है जी, तो मेरे भाइयों को एक बात और बता, जैसे बहुत से जगह गन्ना होता है जी, गेहूं भी होता है, धान भी होते हैं, मतलब बिल्कुल सभी प्रकार की फसलें होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस पे मतलब किसान भाई सभी फसल में इसका यूज कर सकते हैं क्या? भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, किसान का कोई भी काम, आप धान में कद्दू करना चाहते हैं धान में कद्दू करेगा। अच्छा, आपके यूपी में धान लगेगा उसमें कद्दू करना चाहोगे तो कद्दू करेगा, पानी में चलेगा ये। अच्छा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। और आप यदि आपने कहा गन्ने की खेती, तो गन्ने की खेती में हमें खरपतवार निकालनी होती है, तो हमारा जो रूटावेटर है हमने इसीलिए एडजस्टेबल बनाया है। अच्छा, ये एडजस्टेबल है जी, हमारे किसान भाई इन पिनों को निकाल दें। अच्छा, और वो 18 इंच में भी इससे काम कर सके, 2.5 फीट में भी काम कर सके, 3 फुट में भी काम कर सके, 3.5 फीट में भी काम कर सके। अच्छा, भाई साहब ये एडजस्टेबल रोटरी है, हमारे किसान भाई कहीं पे काम नहीं रुकेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे पीछे दिखाओ, इसमें पुली भी लग जाती है? भाई साहब पुली नहीं है, ये ट्रैक्टर वाली पीटीओ है। अच्छा, आपके वहाँ गेहूं कटाई चल रही है? अच्छा, गेहूं कटाई के सीजन में हमारा किसान भाई इसमें रीपर लगा के और अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। 1 घंटे में इसमें 3.5 फीट का वो रीपर लगता है, तो आप यदि 1 घंटे में 1 बीघा भी निकालोगे तो शाम तक आप 10 से 12 बीघा निकाल दोगे। बिल्कुल, और कम से कम 1500 रुपए बीघा होगा। अभी मैं आपको एक बार इसका डेमो करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, देखिए। 1 रिकॉइल खींचा है और स्टार्ट है, क्वालिटी बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए मेरे किसान भाइयों, यदि आप जुताई कर रहे हो, पहला नियम तो ये है कि यदि ट्रैक्टर हो या कुछ भी हो, पहली जुताई में हम फर्स्ट गियर में जुताई करते हैं धीरे धीरे, जिससे मिट्टी को उखाड़ सके। अच्छा, यदि आप इसको दूसरे गियर में चलाओगे तो 100% चाहे ट्रैक्टर हो चाहे कोई भी हो वो वाइब्रेशन करेगा, तो इसलिए हम पहले गियर हम लगा रहे हैं इसमें और आपको लाइव डेमो दिखाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। कोई दबने का काम ही नहीं है, आप चला के देख लीजिए, पीछे का मिट्टी दिखाओ आप कैसी उखड़ रही है, देखो थोड़ा दबा के चलाओ, दबा के थोड़ा सा, आप पहली बार चला रहे हो मुझे लगता है। हाँ जी पाल जी, कोई वाइब्रेशन लग रहा है आपको? थकान महसूस हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप मुझे दीजिए थोड़ा सा, आप पहली बार चला रहे हैं, गहराई दिखाऊंगा आपको अच्छी दूसरी जुताई में। अभी देले दिखाइए कैसे कैसे तोड़ रहा है ये। भाई साहब किसान पावर एक ब्रांड है, वैसे ही नाम नहीं है, और इसको इतना मजबूत और हैवी बनाया है, यदि इसके ऊपर चढ़ जाओगे ना तो भी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अभी दूसरी जुताई करके भी दिखाऊंगा। अभी आपको दूसरी जुताई करा के दिखाता हूँ इसी पे। अभी हम दूसरा गियर लगा लेंगे, दूसरा गियर में। हाँ दूसरा गियर। अच्छा। अभी आप बताओ कैसा, देखिए आप गहराई देखते जाना।
हाँ जी पाल भाई साहब, मजा आ रहा है तुझे? एक दिन में बिल्कुल फुल फुल हो गया आज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। गहराई भी अभी दिखाऊंगा आपको। देख लीजिए पाल जी, कहीं से भी आप गहराई देख लीजिए, आप कहीं से भी आप मुझे जहां से आप देखना चाहो वहां से देख सकते हो। दूसरी जुताई हो चुकी है आपके, रोटावेटर से ज्यादा गहराई हो तो कहना, बिल्कुल नहीं मत कहना आप। आज मैंने जिंदगी में पहली बार पावर टीलर चलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा एक बार देखिए आप गहराई खुद ना आपके देखिए, आपने रोटावेटर की बहुत वीडियो बनाई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाइयों, आप देख पा रहे हैं, इधर देख सकते हैं आप लोग, इधर पास में दिखाओ जरा। तो भाइयों आप देख पा रहे हैं, आपके सामने लाइव डेमो है, काफी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। और जिंदगी में मैंने पहली बार पावर टिलर लकड़ी को देखिए, लकड़ी का चूरा बना दिया है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, और उस खेत में कल्टीवेटर से जुताई हुई है। आप उसमें देख लीजिए कितनी लकड़ी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और आपको इसमें हमारी जुताई में एक भी लकड़ी नहीं मिलेगी, बस टुकड़े ही मिलेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, इसका जो रोटावेटर है ये काफी जबरदस्त है, इसमें ब्लेड हाई कार्बन क्वालिटी के ब्लेड है, ये जमीन में धसते ही चले जाते हैं, रुकते ही नहीं है। अच्छा, अभी तो ब्लेड की धार नहीं है, जब धार आएगी ना, जब देखना इसका काम तो। बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी तो नया है ना। बिल्कुल। अच्छा जी, तो एक बात बताओ जी, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया। बिल्कुल, और जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं पाल ट्रैक्टर के सब्सक्राइबर, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा मैं उम्मीद करूंगा। बिल्कुल सर, देखिए आप कोई जब पसंद आ गया तो आपके व्यूवर्स को तो आएगा, क्योंकि काम अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी। बिल्कुल, मेन बात होती है परफॉर्मेंस, और इसकी जो विशेषताएं है ना बहुत अच्छी है, कोई छोटे किसान है उनके लिए तो ये रामबाण साबित हो सकता है। बिल्कुल सर। हाँ जी, इसमें हमने पीटीओ में, आप जैसे गेहूं का सीजन चलता है, गेहूं कटाई कीजिए, अच्छा स्प्रे पंप लगाइए, अच्छा वाटर पंप लगाइए, आप यदि 2 KV का आप जनरेटर लगाना चाहते हैं जनरेटर लगाइए, लाइट नहीं आए तो। अच्छा, घर पे भी काम करते हैं। बिल्कुल। और भाई साहब इसमें हमने जो ये हिच दी हुई है हुक, अच्छा इसमें आप बेड बनाइए, अच्छा कल्टीवेटर लगाइए, अच्छा ट्रॉली लगाइए, सीट लगाइए, प्लाव लगाइए, मिट्टी चढ़ाने के लिए लेजर लेवलर, ये सारे अटैचमेंट 32 प्रकार के अटैचमेंट इसमें लगने वाले हैं। मतलब जो बड़े ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट चलाएगा वो ये चला देगा? जी जी। अच्छा, छोटे इसके इसी के साइज के इम्प्लीमेंट बनेंगे, मिलेंगे आपको हमारे किसान भाई के लिए, अच्छा हमारी कंपनी में, वो आप जो ट्रैक्टर में अटैचमेंट लगते हैं वो सारे लगेंगे। बेड बनाना है, मेड बनानी है, जो भी कुछ करना है, आप इसमें छोटी छोटी थ्रेसर भी चला सकते हो। अच्छा, आप देखिए गियर बॉक्स की क्वालिटी, देखिए आप हमारे गियर बॉक्स की क्वालिटी, ये देखिए अभी मैंने खूब दबा के चलाया है, आप हाथ लगा के देखिए, आप गर्म तो नहीं है, नॉर्मल गर्म है ना। इसमें हमने एक एयर प्लंजर दिया हुआ है, अच्छा देखिए कि इसमें जैसे गर्माई थोड़ी बहुत बने, अच्छा तो इसमें भाप बन के ये बाहर निकल जाए। अच्छा जी, ये हमने जो नट लगाया है एयर प्लंजर इसे बोलते हैं, एयर को बाहर निकालने के लिए। अच्छा, तो हमने हर एक चीज सोच समझ के लगाई है। तो सर जी थोड़ा इसके इंजन के बारे में बताएंगे जरा? सर ये हमारा इंजन किसान पावर का है, अच्छा जो कि हमारी ब्रांड है, और ये 7.5 HP का पेट्रोल इंजन है सर। अच्छा, पेट्रोल ऑपरेटेड है? जी जी, पेट्रोल से चलेगा। अच्छा, और हमने खास कर आपने हमारे मिनी वीडर में देखा ईयर यहाँ पे था, लेकिन इसमें हमने ईयर ऑयल बाथ ईयर दिया हुआ है। अच्छा, ऑयल बाथ वाला? हाँ, ऑयल बाथ से क्या होगा कि डस्ट नहीं जाएगी, कई कई हमने इसमें स्पंज लगा रखी है जिससे कि धूल मिट्टी अंदर तक नहीं जाए और हमारे इंजन को कोई भी परेशानी नहीं हो। फिर भी मेरे किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना काम खत्म करके एक बार साफ सफाई जरूर करें। अच्छा जी, सर जी एक बात बताओ मुझे, जैसे बहुत से डीलर ऐसे हैं जो पावर टीलर बेच देते हैं, जी कहते हैं सर्विस बहुत अच्छी देंगे, जी जी, लेकिन बेचने के बाद वो मैंने सुना कि किसान का फोन तो नहीं उठाते, आप तो ऐसा नहीं करेंगे? भाई साहब देखो, किसान पावर हमारी ब्रांड है, अच्छा और हमें ये यही नहीं कि राजस्थान में ही चलाना है इसको, अच्छा हमें ऑल ओवर इंडिया में नाम करना है। और नाम कब होगा? जब हम काम दिखाएंगे, अपनी सर्विस दिखाएंगे, तब नाम होगा। अच्छा, ऐसे ही नाम नहीं हो जाता। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है किसान भाइयों को अच्छी सर्विस मुहैया कराएं। 1 ईयर की मैं वारंटी दूंगा, तो 1 ईयर तक कोई भी प्रॉब्लम आ जाए,
कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा मेरी मशीन खराब नहीं होगी, क्योंकि देखिए कोई भी बड़ा ट्रैक्टर ले लीजिए, यदि उसको आप लोड में चलाते हो तो हर एक ट्रैक्टर गर्म भी होता है और ये भी थोड़ा बहुत गर्म होगा, और हो सकता है कोई पार्ट वार्ट की प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि मशीनरी है, ये आदमी की गारंटी नहीं है। आपको पता, आदमी का कोई पता है कुछ बीमारी हो जाए, बिल्कुल जी, तो ऐसी तरीके से ये मशीनरी है मेरे किसान भाइयों। हाँ, उसका सॉल्यूशन ये है कि कोई पार्ट खराब हो गया तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंचा के देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ओनली फॉर डिलीवरी का चार्ज लगेगा आपका। अच्छा, और दूसरी बात ये कि पावर टिलर जैसे ही हमने हमारे किसान को दिया और 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद जो भी हमारे जितने भी कस्टमर हैं, हर 15 दिन बाद उनको कॉल किया जाएगा कैसा पावर टिलर चल रहा है नहीं चल रहा है। 1 साल तक लगातार 24 बार फोन आना ही है। अच्छा। हर 15 दिन में महीने में 2 बार, क्योंकि ये मेन चीज है, किसान भाई यदि हम सर्विस देंगे तो 4 किसान हमारे पास लेके आएगा। बिल्कुल, ये तो पावर टिलर के इतिहास में पहली बार हो गया कि आप महीने में 2 बार कॉल करेंगे। बिल्कुल सर, देखिए हम हमारी मशीन की देखभाल नहीं करेगा तो कौन करेगा, किसान भाई तो करेंगे ही करेंगे। यदि उनसे भाई दबे कोई प्रॉब्लम हो रही है, अब उनको किसी चीज के बारे में नहीं पता है, हमसे बातचीत होती रहेंगी तो उनको ये तो रहेगा, हमसे पूछ तो सकते हैं वो, यदि हम उनका फोन नहीं उठाए। आप एक सपोज करो, एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, जैसे आप किसान हो, आपके पास कितनी जमीन है? लगभग 3 एकड़ के आसपास। 3 एकड़ के आसपास है? हाँ जी। लगभग लगभग पैदावार कितनी हो जाती है आपके? 3 लाख के आसपास हो जाती है। अब यदि 3 लाख की पैदावार हुई और आपने मन बनाया कि मैं पावर टिलर खरीद लूं, अब 40-50 हजार रुपए से कम तो कोई नहीं आता। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब मान के चलो आप 40-50 हजार रुपए डाल के खर्च करके और आप पावर टिलर ले जाए, और वहां जाके मैं आपको, आप ले गए और निकलने के बाद मैं आपको कोई रेस्पॉन्स ना दूं, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। आप मेरी बड़ाई करोगे कि बुराई करोगे? मैं तो सबसे ये कहूंगा कि जिंदगी में कभी इस कंपनी का पावर टिलर मत लेना। तो भाई साहब, हमारा उद्देश्य, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, आपके तो 50 हजार रुपए डूबे हैं, यदि किसी भी किसान भाई का या मेरा भी 1 रुपया गिर जाए ना तो भी दर्द होता है, तो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसान के दर्द को समझ सकता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप बिल्कुल सर्विस की तरफ से बेफिक्र रहिए, किसान भाइयों को मौका नहीं दूंगा कि आपको कोई बैड कमेंट आ जाए। अच्छा जी, हमने पावर टिलर के बारे में सब बातें कर ली, क्या इसका उपयोग होगा, क्या गारंटी वारंटी होगी, अब बात करेंगे इसकी कीमत के बारे में, थोड़ा बताएंगे जरा। सर, इसकी जो कीमत रखी है हमने 48 हजार रुपए रखी है, किसान भाई के घर तक पहुंचा के देंगे 48 हजार में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बुकिंग के टाइम पे हमारे किसान भाई को मात्र 5 हजार रुपए का पेमेंट करना होगा और अपना आधार कार्ड देना होगा। अच्छा। जिससे कि हमारे जो है किसान भाई को हम घर तक इसको पहुंचा सकें। यदि हमारे किसान भाई के पास टाइम है तो मोस्ट वेलकम है, आप हमारी कंपनी में आए, कंपनी में विजिट करें, आप पूरी जानकारी लें, आप हमसे मिलोगे, हम आपसे मिलेंगे तो एक जानकारी बनती है और आप चला हला के अपनी मशीन ले जा सकते हैं। यदि आप नहीं आ सकते तो मैंने प्रोसेस बताया है कि 5 हजार रुपए एडवांस आपको डालने और आपको आधार कार्ड देना है, जब आपके नियर बाई ट्रांसपोर्ट में पहुंच जाएगा, बाकी का पेमेंट आपको तब करना होगा मेरे किसान भाइयों। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैंने आपको किसान पावर कंपनी का पावर बीटर दिखाया, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान।